मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, जो आज़ादी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी जिनको देश की जनता जनार्दन ने ये जनादेश या आशीर्वाद दिया है। उनके मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें न्यू के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञान इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है, गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। हमारे प्रदेश की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहनों की है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गाँव लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक मेजर इसमें फायदा होगा। इस बजट में खेती भी एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर करके आया है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है, 9 प्राथमिकताओं में से एक बड़ी प्राथमिकता है और इसमें रिसर्च इनोवेशंस पर विशेष बल देने की बात कही गई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और आज जो क्लाइमेट के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के कारण, उसके कारण क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप करना आज के कृषि की ज़रूरत है। इस पर विशेष फोकस इस बजट में देने की बात कही गई है और 109 वेरियस वेराइटीज डेवलप किए जा रहे हैं बीजों के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और 32 हार्टिकल्चर क्रॉप्स के अलग अलग वेराइटीज डेवलप किए जाएंगे, रिसर्च किया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपया देश का पैसा, 70,000 करोड़ रुपया दलहन तिलहन के लिए देश से बाहर चला जाता है, तो दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष मिशन चलाने की बात कही गई है। आजकल एग्रोकेमिकल के कारण कैंसर्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं, उसको फोकस करते हुए इस बजट में विशेष ध्यान नेचुरल फार्मिंग पे देने की बात कही गई है और एक आने वाले दिनों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का संकल्प इसमें जताया गया है। युवा साथियों के लिए भी बहुत सारे विशेष इनोवेटिव स्कीम्स मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आने वाले सालों में खर्च किए जाएंगे और 4 करोड़ युवा भाइयों भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें थ्री स्कीम्स विशेष रूप से जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने की दृष्टि से लाए गए हैं। इसमें पहली बार जो ये फो में जो